एक थोड़ा तफसीली से करना चाहता हूँ। मतलब ये फजाइल अमल में जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब नमाजों की तादाद के बारे में आता है मौलाना। मतलब के फला फला बुजुर्ग जो है एक एक रात में जो है 1000 रकात नफिल पढ़ते थे, मतलब कुछ ऐसा करके। मैं जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफी मसलक का हूँ, ऐसा नहीं समझना अलहदीस करके, लेकिन जी ऐसा जो है ये पूछते हैं ये, तो कैसे अल्लाह के नबी सहाबा से सहाबा जो है ये नहीं पढ़े, तो ये लोग कहाँ से पढ़े और कैसा पढ़े और कितनी ये 1000 रकात में बोले तो 2 रकात में जो है कितना वक्त लगता। तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब देना जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता कभी कभी, तो उस बारे में थोड़ा इकट्ठा अच्छा बन लगा। उसमें कैसा है उनको ये बोलने का, भाई हमारे लिए वो नमूना नहीं है। जी किसी ने अगर एक रात में 200 रकात नहीं ये नमाज भी नम अगर पढ़ा है ना, जी तो हमारे लिए वो हुज्जत नहीं है। हमारे लिए हुज्जत तो अल्लाह के नबी का अमल है, जी जी वो जो वाकई है तो उनका उन्होंने बोलने लिखे। का मतलब क्या बोले, तो जब हुज्जत नहीं है तो तुम क्यों बार बार वो ये पढ़ते रहे, तो क्यों फजल अमल में लिखे हो, ऐसा गलत वो किया लोगों नहीं को है और तरगीब ऐसा देने किया के लिए, लोगों को तरगीब देने के लिए कि भाई आज जी अपने को फजर की 2 रकात पढ़ना मुश्किल हो रहा है, जोहर की जी 4 रकात पढ़ना मुश्किल हो रहा है, मगरिब में 3 रकात पढ़ना मुश्किल हो रहा है। देखो वो लोग कैसे थे जिन्होंने नमाज जो फर्ज के अलावा ऐसी 200-200 रकात नमाजें पढ़ते थे। इमाम अहमद इब्ने हम्बल पैरों से खड़े नहीं रह सकते थे, उसके बाद भी 100 रकात नफिल रोजाना पढ़ते थे। तो वो उनका अपना अमल था, यानी अल्लाह से कैसा इश्क था, कैसी मोहब्बत थी, वो उनका अपना पर्सनल अमल है। ऐसा है, वो अपने लिए हुज्जत नहीं है, लेकिन वो एक तरगीब देने के लिए कि ऐसे भी लोग गुजरे हुए हैं जी, और वो कोई ऐसी इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। नहीं 1000 रकात भी ऐसा किताब में मिला था, 1000 रकात मैं भी पढ़े 1000 रकात होंगे। तो मैंने नहीं पढ़ा अभी तक कोई किताब में। अच्छा 1000 रकात करके दो कुछ सौ ऐसा रकात मैंने बता रहे पढ़े थे हुआ हूँ। वो जी, 200 मैं भी पढ़ा हूँ, 1000 कोई बता रहे थे 1000 के बारे में, तो नहीं, 1000 रकात 40 साल जो है ईशान की मतलब पढ़े तो क्या बीवी बच्चे नहीं, मतलब कई जो है वो बेकार तो के सवाल ऐसे करते वो हैं तो वो कोई इश्काल ही नहीं है। ईशा के वजू से फजर की नमाज का जो है ना, जी। कोई इश्काल ही नहीं है। ईशा की नमाज का वक्त फजर की नमाज तक रहता है, आराम से आराम करके वो तहज्जुद में उठते होंगे, क्योंकि ऐसे भी हम लोग ईशा के बाद की जो सुन्नतें और वितर पढ़ते हैं ना, वो तहज्जुद में पढ़ने की ही नमाजें हैं। वो जो 17 रकातें ईशा में पढ़ी जाती है, वो ईशा के बाद की तमाम नमाज रकातें वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में ही पढ़ा करते थे। अच्छा हाँ, इसीलिए वित्र भी जो है वो तहज्जुद में पढ़ने का हुक्म है। मगर जी चूंकि अभी हम लोग ये सोच के पढ़ लेते हैं कि भाई मैं तहज्जुद में उठूंगा या नहीं उठूंगा। हाँ, तो 40 साल तक उन्होंने ईशा के वजू से फजर की नमाज इसलिए पढ़े क्योंकि वो एक इश्क की, एक मोहब्बत की बात होती है अल्लाह तबारक व ताला से। जब इंसान को जी किसी से मोहब्बत हो जाती, इश्क हो जाता ना, तो फिर उसके जी लिए रात रात भर जगना मुश्किल नहीं रहता। अल्लाह से उनको ऐसी मोहब्बत हो गई थी, उनको वह विलायत का मजा मिल गया था, जी तो वो विलायत की जो लज्जत थी, वो अल्लाह के इश्क और शौक में पूरी रात जागते थे। वो उनके लिए कोई हार्ड नहीं था वो। जी और ये जो एतराज करने वाले हैं ना, उन्होंने जी कभी मेरे पास में आना तो मैं उनको हाथ पकड़ के, अभी हमारे पूना के अंदर एक आदमी है 36 साल जी से वो नाइट ड्यूटी करता है। जी कितने साल से? 36 साल से 36 साल से अभी जिंदा है वो, अभी ड्यूटी चालू है उसकी, अभी रिटायर नहीं हुआ। उसकी खास जी बात यह है, अभी हमारे यहाँ पे पिछले दिनों पेपर में फोटो आई थी कि 36 साल जी में उसने एक दिन भी जो है छुट्टी नहीं लिया। नाइट शिफ्ट है और एक दिन भी नाइट छुट्टी शिफ्ट नहीं, दोनों करता है शिफ्ट वो 36 साल से, और उसने जी एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। ये खास बात उसकी। अब जी आप मेरे को बताओ, जब इस जमाने में ऐसे लोग हैं तो जमाने की हाल तो खुद ब नहीं, खुद जब मालूम चल गवर्नमेंट जाती जॉब करने के लिए एक आदमी 36 साल ये कर सकता है, और मेरे गांव है में, मेरा गांव औरंगाबाद के करीब में है, जी मैं पूना का नहीं हूँ ओरिजिनल, जी जी पूना से 300 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है। मेरे जी गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक जैन समाज का मैनेजर है, जी जिसने पिछले 12 साल से अनाज का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला।
वह सिर्फ कोतमीर का जूस पीकर जिंदा है। कौन सा जूस मोरा? कोतमीर जो होती है ना, जी 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 खतमीर की जी। हाँ कोतमबीर बोलते हैं उसको, और उसको इंग्लिश में कोरिएंडल बोलते हैं, ग्रीन कोरिएंडल बोलते हैं। सिर्फ उसका जूस पी के वो जिंदा है ना, उसने आज तक चाय पिया ना, कॉफी पिया ना, खाना खाया ना, और वो बैंक का मैनेजर है। तो ये सब इश्क और मोहब्बत की, जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती ना, उसके लिए रात रात भर जगना और 40-40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना कोई मुश्किल नहीं था। और बीवी बच्चों का ऐसा मसला नहीं है कि बीवी के साथ में खाली रात के अंधेरे में सोहबत करना बोल के, नमाज के औकात के अलावा 24 घंटे तुम्हारे पास में टाइम है। ऐसा नहीं है कि बीवी का हक खाली जो है रात को ज्यादा करना। हाँ तो वो कैसा है, वो उन्होंने उनके माँ बाप को देखे होंगे, इसके वास्ते उनको लगता कि भाई बीवी का हक खाली रात को ज्यादा कर सकते बोल के। तो इसके लिए उनके जहन में ऐसे सवालात आते, हाँ बच्चों का हक, बच्चों का क्या रात को हक अदा करेंगे, क्या उनको खांदे पे लेके घुमाने के लिए निकलेंगे अंधेरे में? सही बात है। हाँ तो ये इश्क और मोहब्बत की बातें है, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, वो अल्लाह के नबी का अमल नहीं, सहाबा का अमल नहीं। मगर कैसा रहता जब जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती, इश्क हो जाता। मैं मेरी पर्सनल बात आपको बताता हूँ, मेरा भी एक जमाना था तालिब इल्मी का, जब मुझे भी अल्लाह तबारक व ताला के जरा थोड़ा सा इश्क और मोहब्बत की वो लग गई थी, अल्लाह ताला ने थोड़ी सी हलावत चखा दिया था। तो मैंने इरादा करा था कि मैं किसी से बातचीत नहीं करूंगा, वो एक तसव्वुफ का अमल है, किल्लत ताम, किल्लत मनाम और किल्लत कलाम बोल के मैंने उसके ऊपर अमल शुरू किया। किल्लत ताम में मैंने एक खाना फिक्स कर दिया कि मैं इतना ही खाऊंगा, दोनों टाइम में मैं उतना ही खाता था। और किल्लत कलाम पे मेरे तकरीबन 15 से 20 दिन ऐसे गुजरे थे जिसमें मैंने एक लफ्ज भी किसी से बातचीत नहीं किया था। हाँ तो मैं मेरी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, खाली टाइम में मैं सिर्फ कुरान की तिलावत करता था या अपना दीनी किताबें पढ़ता था, उसके अलावा जुबान से एक लफ्ज भी नहीं। वो मेरे को एक शौक पैदा हुआ था, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है किताबुद्दीन बोल के, उसके अंदर मैंने ये पढ़ के ये किया था। तो मैं आपको जब मेरी बात बता रहा हूँ और मेरे सामने के लोगों की बात बता रहा हूँ, और वो भी गैर लोगों की, जो आज 12-12 साल से कोतमीर का जूस पी के जिंदा है और 36 साल से अपनी ड्यूटी बगैर किसी छुट्टी के अदा कर रहे हैं, तो अंदाजा लगाओ उन अल्लाह वालों के लिए वो तो अल्लाह की जात है। जी, उसके लिए रात से सुबह तक जगना कौन सी बड़ी बात हो सकती है। जी, जी। बहुत शुक्रिया मौलाना आपका वक्त लिया। और 200 रकात जो है ना, 200 रकात पढ़ने के लिए कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। 200 रकात नमाज आदमी ने एकदम इत्मीनान सुकून से भी अगर पढ़ा ना, पूरे सुकून से पूरे इत्मीनान से, तो 4 घंटे का वक्त बहुत ज्यादा हो गया उसके लिए। वही हम लोग अमल नहीं किया तो बेकार में जो है खामखा इश्कालात पैदा कर। नहीं, इश्कालात क्यों पैदा होते मैं बताता हूँ ना, असल में हमारे दिल है सिया, हमारे दिलों में जो जो अनवारात है ना अल्लाह की मारेफत के, वो पड़े हुए नहीं है, इसलिए हमको मजा नहीं आता। हमको कायमे मजा आता हमारे को फिल्मों की बातें करो ना, फिल्मों की बातें, कमल हसन बड़ा स्टार है या रजनीकांत बड़ा स्टार है, आहा, उसके बाद ऐसे रदबुल लिसान होंगे, पूरे फिगर बताएंगे वो, कमल हसन की कौन सी फिल्म ने कितनी कमाई की, रजनीकांत की कौन सी फिल्म ने क्या कमाई की, कौन से हीरो ने क्या कमाई किया, उनके बारे में शौक है, अपनी माशूका के बारे में उनसे पूछो, तो ऐसे रदबुल लिसान होंगे उसके बारे में। क्यों? उसमें मजा आता, इंटरेस्ट आता, क्योंकि उसकी हम लोगों को अपने को वो लगी हुई है, आदत लगी हुई है दुनिया की बातों में, क्रिकेट की बातों में, आईपीएल की बातों में, अल्लाह रसूल की बातों में, इसलिए यकीन और मजा नहीं आता, क्योंकि हमको उससे कोई वास्ता, हमारे दिल में मारेफत के नूर की कोई चिंगारी पड़ी हुई नहीं है। जिन लोगों के दिलों में पड़ी, उन लोगों के लिए ऐसी कुर्बानी देना जा बिल्कुल एकदम आसान था। तो इसलिए इश्काल, इसके लिए एतराज पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे जमाने के नमाजी कैसे है, मुश्किल से अपना 4 रकात ठोकने का मस्जिद में और जल्दी से निकलने का, दुआ करने का भी टाइम नहीं है उनके पास, वो खाली इंतजार करते, एक तरफ का सलाम हुआ भी दूसरा फेरने के पहले ही आधे खड़े हो जाते बहुत सारे। तो
तो उनको कहाँ से वो बातों पे यकीन आएगा जो दो दो सौ और एक एक हजार रकात नमाज पढ़ने वाले लोग थे। मौलाना अगर हो सके तो इस्लाम आशिया के सबक में भी थोड़ा ये करें तो बेहतर है मौलाना। नहीं मैं ये जो आपका ऑडियो है ना इसको ही कट करके अभी मैं भेज दूंगा, उसमें आपने पहले जो मस्तूरात का पूछे ना उतना कट कर दूंगा और उसके बाद का जो है उसी को मैं इंशाल्लाह एक आध दिन भेज दूंगा। ठीक है मौलाना, चलो ठीक है, दरख्वास्त जी जरूर जरूर इंशाल्लाह, जी जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।